नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल का मकसद है आप सभी तक सही से आयुर्वेदिक जानकारियों को पहुंचाना। जितने भी हमारे आसपास पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती है उसके बारे में जानकारियों को पहुंचाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आए हुए घंटी को अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारियां आप सभी तक मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन गोभी के फायदे के बारे में। दोस्तों, यह वनस्पति जमीन पर बैठती हुई पसरती और बढ़ती है। जानकारी न होने के अभाव में लोग इसे प्रायः घास फूस समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों यह मनुष्य के बहुत सारे रोग को दूर कर सकती है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से दांतों का दर्द हो, राह चलते बिच्छू अगर काट ले तो बिच्छू का जहर, या फिर अगर आपको कहीं घाव हो गया हो और बार बार उसमें से पस निकलता है, घाव भरता नहीं है, तो फ्रेंड्स आप उसे ठीक कर सकते हैं। बुखार हो गया है और काफी समय से परेशान किए हुए है, तो फ्रेंड्स आप बुखार से राहत पा सकते हैं। बवासीर की समस्या है, चाहे वो बवासीर खूनी हो या फिर बादी हो, आप इसका इलाज इससे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पत्तों का आकार गाय के जीभ की तरह होता है, इसलिए इसे संस्कृत में गोजुहा कहते हैं, गुजराती में इसे भोपात्री कहते हैं और हिंदी में इसे वन गोभी कहते हैं। इसमें पीले रंग के सुंदर फूल भी खिलते हैं जो कि गोलाकार होते हैं। इसके पत्तों को तोड़ने पर पीले रंग का दूध निकलता है। दोस्तों, इस वनस्पति की प्रकृति शीतल होती है, स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है, कसैला होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आप इसका कैसे इस्तेमाल करके और किन किन रोगों से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को बुखार हो जाए और काफी समय तक उसे परेशान करे, तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल करके आप बुखार की समस्या से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, इसके जड़ को काढ़ा बनाकर पीने से बुखार उतर जाता है। अगर आपको घाव हो गया है और घाव से बदबू आती है, उसमें से पस निकलता है और जल्दी भरता नहीं है, तो फ्रेंड्स इसके पत्तों को पीसकर अगर आप अपने घाव पर छापते हैं तो घाव जल्दी से भर जाता है। अगर बिच्छू का जहर है, राह चलते अगर आपको कहीं बिच्छू काट ले, तो इसके जड़ और पत्तों को सांस में पीसकर उस स्थान पर लगाने से बिच्छू का जहर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ आपको बवासीर की समस्या है तो इसके पत्तों की चट्टी बनाकर घी में भूनकर कुछ दिनों तक लगातार खाने से खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर ठीक हो जाते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो दोस्तों इसके जड़ को दांतों में दबाने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने निजी जीवन में होने वाली छोटी छोटे रोगों से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।